अरुण, अरुण, my life has been a series of doors in my face, and then suddenly I bumped into you. I was thinking the same thing, cause like I've been searching my whole life to find my own place, and maybe it's the party talking or the chocolate fondue. But with you, I find my place. I see your face, and it's nothing like I've ever known before. Love's an open door. Love's an open door. That's cute. Thank you. Thank you so much. Thank you. What's all this, Arun? This is for you. Oh my God. Happy anniversary, Pallavi. Happy anniversary. Pallavi? Yeah? तुम ऑफिस नहीं जा रही? हाँ. इवनिंग पार्टी है ना, तो बहुत सारे प्रिपरेशन हैं. सो डे ऑफ. ओके. बाय पल्लवी. बाय. हाय पल्लवी. यारुन, तुम बाहर हो क्या? वो मैं ग्रोसरीज लेने मार्ट जा रही हूँ. ओके. एक्चुअली इवनिंग पार्टी में ऑफिस के लोग भी आएंगे, तो हमें उनके लिए भी अरेंजमेंट्स करनी होंगी. यारुन, आई विल टेक केयर ऑफ दैट. ओके पल्लवी. अमन है क्या? हाँ, अंदर है. अमन, अमन, अमन. पल्लवी,
मैं जानता था पल्लवी तुम जरूर आओगी। अब सब कुछ मैं देख लूंगा। ओके, आई सेंड द मेल, प्लीज चेक इमीडिएटली। या श्योर। यहां से कहीं और चले? एक मिनट। हाँ, पैसे लो, पकड़ो जल्दी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम पल्लवी बाहर जाओ। मैम सॉरी सॉरी, रास्ते में याद आया कि थाली भूल गई। दोबारा घर जाकर थाली लाने में इतनी देर हो गई। थाली में करना जरूरी नहीं है, रिदम में करना जरूरी है। तुम रिदम भूल जाती हो, कितनी बार समझाऊं तुम्हें। मैम मैम मैम, बस एक चांस दे दीजिए। गिव मी वन चांस प्लीज। ये लास्ट चांस है। सॉरी, गेट आउट। तुझे डांस क्यों सीखना है? आज नहीं तो कल तेरी शादी हो जाएगी और तू सेटल हो जाएगी। आगे जाके तुझे स्टेज शोज तो नहीं करने ना? ए, ये स्टेज शो के लिए नहीं। फिर अपने डांस परफॉर्मेंस की सीडी बनाकर शादी के बाद अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ देखते हुए उनकी आंखों में जो चमक होगी ना, चमक कितना अच्छा लगेगा पता है? यू नो, हर किसी की लाइफ में मेमोरीज होनी चाहिए। अब ये क्लासिकल डांस नहीं तो फोक डांस करूंगी, बट करूंगी। मार दूंगा। मेरी बीवी का डांस करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हे, सुनो, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मेरी लाइफ मेरी है। अगर एक और बार कॉलेज में डांस का नाम सुनाई दिया तो क्या कर लेगा तू? तो तू यहाँ नहीं, सीधे मेरे घर विजयवाड़ा में दिखाई देगी, याद रखना। बदतमीज, इसे सबक सिखाने के लिए ही सही, मुझे डांस सीखना पड़ेगा। अभी के अभी डांस मास्टर कहाँ और कैसे मिलेगा? अब सिद्धि विनायक ही मेरी मदद करेंगे। समझो मास्टर अब मिल गया है। हेलो, ये सब क्या है? यहाँ कोई नाच मयूरी नाच नहीं करना है, आज का मॉडर्न डांस करना है। ए तू बजाना यार। हाँ, पक्का पेमेंट दोगी ना? पहले प्ले कर। रेडी हो? ओके ओके ओके, स्टार्ट करें। तालियां मत बजाओ, पहले करके दिखाओ। मैं करूंगी मास्टर, अभी करती हूँ। तो मूवमेंट समझ गई। या रेडी। ओह, अरे बंद करना, रुक जाओ। ये क्या कर रही हो?
सिर घुमाना है तो सिर्फ सिर ही घुमाओ, कमर हिलानी है तो सिर्फ कमर ही हिलाओ। ऐसे फुल बॉडी एक साथ हिलाने लग जाओगे तो उसे डांस नहीं कहेंगे, फीट्स कहते हैं। तो फिर अब क्या करें? मास्टर जी अभी आपने क्या कहा? सिर घुमा रही हो तो सिर्फ सिर घुमाओ, कमर हिला रही हो तो सिर्फ कमर। एक आइडिया है। कैसा आइडिया? जब मैं कमर का स्टेप करूं तो आप मेरा सर पकड़ लीजिए, और जब मैं सर का स्टेप करूं तो आप मेरी कमर पकड़ लीजिए। ये सही रहेगा मास्टर जी। अनएक्सपेक्टेड मोमेंट। पल्लवी पागल हो गई क्या? तू चुप रह, तेरी कमर नहीं पकड़नी है, बैठ जा। ये कमर वमर पकड़ना हमारे खानदान में नहीं है, हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। मास्टर जी आप मुझे टच नहीं कर रहे, आपके अंदर का नटराज मेरे अंदर की मयूरी को टच कर रहा है। मेरे अंदर का नटराज? अब ऑन कर रहे हैं, चलो शुरू करो। साउंड ओके रेडी। देखिए कमर भी हिल रही है, आप पकड़ लीजिए, मैं तभी करूंगी। ओके अब ये हो गया मास्टर जी, अब आप सर पकड़ो, नेक्स्ट स्टेप करती हूँ। सही जगह पकड़ना मास्टर जी, शोल्डर नहीं सर पकड़िए। हो रहा है ना? ठीक हो ना? ठीक हो ना? क्या हुआ मास्टर जी? सांस लेकर करने को कह रहा हूँ। ओह अच्छा, तो मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। देखिए ना फिर से वही हो रहा है मास्टर जी, ये मुझसे नहीं होगा। आ जाएगा, मुझे आ गया है ना, तो लगता है तुम्हें भी आ जाएगा। ये क्या, कॉलेज में मना किया तो सड़क पर शुरू हो गई? बताया था ना मेरी बीवी ये सब करे मुझे पसंद नहीं। ये कौन है? मेरे मास्टर जी। कौन से स्कूल में? जाकर खाना बनाना सीख ले, आगे से ध्यान रखना। ये क्या, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी शादी हो चुकी है? छी, मैं और उसकी वाइफ मास्टर, कॉलेज में मेरा सुपर सीनियर है, फर्स्ट ईयर में रैगिंग करते हुए वाइफ जैसी एक्टिंग करने को कहा, तब से ही मुझे वाइफ समझने लगा। मुझे 3 साल से टॉर्चर कर रहा है मास्टर जी। तो तुम चुप क्यों हो? बाप रे, मुझे तो उसकी आंखों से ही डर लगता है। तुम्हारा डर मैं दूर करूंगा, कल तुम उसे ठीक सुबह 10 बजे पार्क में बुला लो, उसके बाद वो मैं देख लूंगा। क्या मास्टर जी इतनी देर लगा दी? उस मनोहर के आने का टाइम हो गया है, मुझे तो टेंशन हो रही है मास्टर जी, आपने कोई प्लान बनाया है? प्लान वो देखो, वो एसआई है। एसआई? उसके पीछे जो गन्ने का जूस निकाल रहा है ना, वो यहाँ का हेड कांस्टेबल है। वो लेफ्ट में लेडीज दिख रही है ना? हाँ। कौन है? वो लेडीज नहीं है। हाँ? मतलब? ऐसे डायरेक्ट मत देखो, वो बहुत डेंजर है। आगे देखो वो भाग रहे हैं ना? वो यहाँ के सीआई हैं। तुम्हारी होने वाली रैगिंग के बारे में सबको खबर मिल चुकी है। समझ गई मास्टर जी। अंडरकवर ऑपरेशन। अब ये सब लोग मिलकर उस मनोहर की बैंड बजाएंगे। करेक्ट। उसे पकड़वाना है तो उसे एक बार तुम्हें टच करने दो। अगर वो टच ना करे तो मजबूर करो उसे टच करने के लिए। नहीं, क्या क्या? नहीं 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 मास्टर जी। वो देखिए वो आ गया मास्टर जी। तुम कर सकती हो, जाओ करो। नहीं नहीं मास्टर जी प्लीज, आप यहीं रहिए। मैं हूं ना यहाँ पे, जाओ। प्लीज प्लीज मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी। मर्द है तो आजा, ऐसा कहा ना तूने, ले आ गया। क्या करेगी? हाँ क्या करेगी? ज्यादा बोलने लगी है। इधर उधर क्या देख रही है? तुझसे ही, हाँ तुझसे ही बात कर रहा हूं मैं, बोलती क्यों नहीं? क्या है? हाँ बात करूंगी तो तू क्या कर लेगा? तू
तू क्या समझता है कि मैं तुझसे डरती हूँ? हिम्मत है तो टच करके दिखा, चल दिखा टच करके। पीछे क्यों हटता है? टच कर। अरे ये तो कोई प्लान बना के आई है। टच करना मुझे, चल जल्दी से निकल। अंदर पोपा के काम भाग रहा है। हां करना टच मुझे, चल चल भाग, मार डालूंगी। मास्टर जी आपने देखा? वो मुझसे डर गया, उसकी आंखों में डर देखा मैंने। मैं जाकर पुलिस वालों को थैंक्स बोलती हूं। पुलिस वालों को? यहाँ पुलिस कोई नहीं है। यहाँ ये सब लोग हर रोज काम और जॉगिंग करने आते हैं। मास्टर जी, अब तक उससे तुम खुद ही डर रही थी। हा? लेकिन अब उसे डराने वाली तुम ही हो। अब तक जो तुम्हारे पास नहीं था और अब जो पास है वो समझ में आ गया ना? थैंक यू। वो तुम्हारे अंदर ही था, बस उसे बाहर निकालना बाकी था। निकाल दिया। थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू। बाय अमन। हाँ? तुम्हारी दी हुई हिम्मत में इतना प्यार है तो क्या जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? क्या हुआ? कल से कैंपस हॉलीडेज शुरू हो रही हैं, कॉलेजेस बंद रहेंगी। हैदराबाद में मेरे दोस्त का एमसेट कोचिंग सेंटर है, समर क्लासेस लोगे तो 25,000 मिलेंगे जिससे तुम्हारा खर्च निकल सकता है। चलो जाओ। नहीं सर, मैं शहर नहीं छोड़ूंगा। वो लड़की कौन है? पल्लवी। सर यूनिवर्सिटी में तुम्हारे जैसे मजनू बहुत देख चुका हूँ, बैठ जाओ। प्रॉब्लम सॉल्व हो इसके लिए एडवाइस देता हूँ तो बिगड़ जाते हो, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ तो बताइए सर, अब आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? यहीं कहीं छोटा सा रूम लेकर बच्चों को पढ़ाना शुरू करूंगा। जब नसीब में ही कीचड़ में गिरने का लिखा हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इस शहर में बैचलर्स को रूम रेंट पर कोई नहीं देता। हे मां लक्ष्मी अपनी कृपा बना। राजेश्वरी कितनी बार कहा है तुमसे, 3 सीटी के बाद कुकर बंद कर दिया करो, गैस वेस्ट होता है ना। भूल गई थी मैं भी ना। हे माँ लक्ष्मी मंगल दायिनी। अरे उस रमन से पैसे लेकर डीलर को देने को कहा था, दे दिया? नहीं दिए ससुर जी। शुक्रवार के दिन हम पैसे लेते हैं पर देते नहीं है ना। सही कहा। नंबर बढ़ गए मेरे। हे मक्ष्मी कृपा करो, हे माँ लक्ष्मी परमेश्वर। ये क्या है? लव लेटर पापा। क्या, किसने दिया ये? ऊपर वाले लड़के ने। हाँ? ऐसी बात है? जमाई बाबू रूम दे दिया तो क्या ऐसा करोगे? सब तुम्हारी मर्जी चलेगी। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बेटी को लव लेटर लिखता है, वो भी शुक्रवार के दिन। मुझे लगा अच्छा लड़का है। सारे बैचलर्स एक जैसे नहीं होते माँ। मैंने लव लेटर नहीं लिखा सर, ये तो मेरी कजन सिस्टर जैसी है। क्यों, सगी सिस्टर नहीं मान सकते थे क्या? देखो ससुर जी कैसी बुद्धि है। निकाल दो इसे, निकाल दो, जल्दी निकालो। मैं सच कह रहा हूँ, निकले तो ससुर जी तुम्हारी किस्मत पे स्याही डाल देंगे। चलो लेटर लिखने वाला। पापा इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि बैचलर्स को रूम मत दो, अब देखा आपने। बैचलर्स को रूम न दे तो क्या ये स्वर्ण पैलेस है जिसमें फैमिली रहने के लिए आएगी? छोटा सा पेंट हाउस है, ससुर जी को कुछ पैसे मिल जाएंगे, है ना? ये ठीक से रखो, आ दे दो उसे। सर हाँ, कल वो बोर्ड देखकर मैंने ही कॉल किया था। मुझे नहीं, मुझे किया था। अच्छा वो आप हैं? नाम क्या है? मेरा नाम अमन है। अच्छा है, क्या करते हो? स्टैटिस्टिक्स में PhD सर। आंध्रा यूनिवर्सिटी। स्टैटिस्टिक्स वही कैलकुलेशंस। लेकिन तुमने PhD कहा था, वो कोई जॉब या सर्विस तो नहीं है ना? तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है तुम्हारा, ये सब कैसे चलेगा? स्कॉलरशिप मुझे मिल जाती है सर, और फ्री टाइम में मैं बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ। ट्यूशन्स? ट्यूशन ये तो बढ़िया है। वो क्या है कि मेरा पोता है, उसे पढ़ाई से नफरत है, उसे फ्री में ट्यूशन देनी होगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सर। PhD होने तक देनी होगी। दूंगा ना सर, मेरी PhD होने तक ना? नहीं, उसकी PhD होने तक। चलो आ जाओ, घर दिखाता हूँ, मिलता हूँ फिर मैं। प्लीज चलो भाई। आया सर।
सुनो भाई, घर में गर्लफ्रेंड या कजिन सिस्टर के नाम से किसी को लेकर तो नहीं आओगे? नहीं नहीं, मैं लड़कियों के पीछे नहीं पड़ता सर, मैं जेंटलमैन हूँ, किससे भी पूछ लीजिए। हाँ जमाई बाबू। हाँ ससुर जी। कहाँ रह गए भाई, नया बैचलर है। हाँ। घर के सारे रूल्स रेगुलेशंस पता कर इसे पेंट हाउस दिखा दो। ठीक है जाओ। थैंक्स सर। देखो भाई, ससुर जी से कनेक्ट रहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ भी कभी डिसकनेक्ट मत होना। तुम अच्छे नसीब वाले हो, इसलिए तुम्हें पेंट हाउस में रहने को मिल गया। वैसे कितना रेंट देने वाले? 6,000 बताया है। टैक्स के साथ 8,000 होगा। टैक्स? फ्रीडम टैक्स। देखो, तुम्हारे और ससुर जी के बीच में एक टोल गेट रहेगा, उसे उठाने वाला मैं ही हूँ। सपोज तुम कभी बियर लेकर आए, मैं उठाऊंगा। गर्लफ्रेंड लेकर आओगे, वो भी अच्छा, तो मुझे 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, हर महीने देने होंगे। और नहीं तो क्या। वैसे सुनो, ये मैटर हमारे बीच में ही रहना चाहिए। स्मार्ट फेलो, पेंट हाउस बहुत ही अच्छा है। तो मेरा 2,000 दो दिन में दे दूंगा। जरा हाथ देना, याद रखना। पापा, आपने फिर से बैचलर को रख लिया, कल ही तो लव लेटर मिला था ना। इसे तुम दोगी तो भी नहीं लेगा, उस टाइप का है ये। और अपना जो चिंटू है ना, उसे ये फ्री में ट्यूशन भी देगा। अपने कैलकुलेशन में बैठ रहा है ये। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है ससुर जी। तुमसे किसने पूछा है? आज तो नंबर माइनस हो गए। कल ही तो एक को भगाया था ना। सब लड़के एक से नहीं होते। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो। मेरी प्यारी बेटी। संभल के, वो देख, वो है अपना घर। वाह, एकदम मस्त है यार। ये तो भिखारियों से भी बड़ा भिखारी लग रहा है ससुर जी। गुड मॉर्निंग सर। तुमने कहा था तो सामान भी पाएगा? यही है वो। अकेला रहना है तो बेकार के खर्च किस लिए? अकॉर्डिंग टू द 1972 द लॉ ऑफ द एमिनिटीज फॉर एनीवन। अपने कैलकुलेशन में ये सही बैठने वाला है। कैलकुलेशंस। ठीक है, तुम जाओ। एक मिनट, ये कौन है? फ्रेंड हूँ। फ्रेंड मतलब? सब कुछ शेयर करने वाला। अपनी बदनसीबी भी। दम बिरयानी तो कोई भी शेयर कर लेगा, जो बदनसीबी शेयर कर ले वही असली दोस्त है, जैसे मैं हूँ। टिकट ब्लैक करने वाला दिख रहा है ये तो। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती क्यों करते हो? छोड़ दो इसे। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? इसके बारे में? कौन है ये? अच्छा, अब तो तू मुझे जानता भी नहीं है। निकलो निकलो, तू बाहर मिल, बताता हूँ। तुम आ जाओ भाई, चाहो तो पुराने बैचलर का सामान भी यूज कर लेना। ओके ओके, ये गैस और सामान लेकर ऊपर आ जाइए ना। मैं 2,000 नहीं चाहिए। पल्लवी, और कितनी देर इंतजार करूं? सॉरी सॉरी सॉरी, बस निकल ही रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। ओके ओके, बाय बाय बाय। मूर्ति जी कहाँ है? अंदर है। चेक किया ना? हाँ चेक किया। दो। जिसने बाइक चोरी की थी वो मिल गया है। बाइक कैसे? हार्बर रोड पर हूँ, उनके पीछे हूँ, उनको फॉलो कर रही हूँ। तुम जल्दी से आ जाओ। पीछा क्यों कर रही हो? तुझे नंबर प्लेट बदलने को कहा था? सोचा पहले आपको दिखा दूं। कंडीशन ठीक है क्या? हाँ ठीक है। हेलो, ये हमारी बाइक है। लाइसेंस है क्या? आरसी है क्या? ये अगर सब कुछ दिखाओगी तो दे देंगे। शट अप, चुप रहेंगे, बस दिखा दो ना। भाई कुछ पूछ रहा है ना, बताओ। चलो दिखाओ। हाँ? फिर ले जाना। पहले तुम यहाँ से चलो। क्या? ए, मेरी बाइक कैसे निकलनी है ये मैं जानता हूँ। यही है अमन। माइलेज अच्छी देती है। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ से चलो। चार लोग सवारी कर सकते हैं क्या? एक मिनट। पकड़ो।
वरना टूट जाएगी। क्या कह रहा था? चार लोग एक साथ बैठ सकते हैं क्या? पूछा। पिकअप और माइलेज की बात उस लड़की के सामने क्या करता है? मैं मेरा माइलेज दिखाता हूँ ना। ए ज़्यादा होशियार। कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं हो? तुम्हें कुछ हो जाता तो बाइक का क्या है? हे, पहली बार मिलने के बाद हम इसी बाइक पर घूमे थे, यादें जुड़ी हैं अमन। शादी हो जाने के बाद मुझे और बच्चों को उसी बाइक पर घुमाना है तुम्हें। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम कब बड़ी होगी, मैं कब तुमसे शादी करूंगा और बच्चे कब होंगे, उसके लिए तो बहुत टाइम बाकी है। मतलब क्या कहा तुमने? अरे मैं बच्ची हूँ अभी तक। मैंने ऐसा कब कहा? बस थोड़ी सी बड़ी हो जाओ। अरे तुम्हारी तो शक्ल देखो। तू एक बार इसे सोच ले। नहीं, मैंने अच्छे से सोच लिया है। अरे सब लोग इतने सीरियस क्यों? एक गुड न्यूज है, सुनोगे तुम लोग? हमें शादी कर लेनी चाहिए अमन। कल मेरे घर में शादी की बात चल रही थी। पिताजी स्टेटस, घर, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मुझे समझ में आ गया है कि वो किसी भी हालत में मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगे। अमन, हमें कहीं और जाकर शादी कर लेनी चाहिए। वो तो कर लेंगे पल्लवी, लेकिन ऐसे अचानक, और वो भी भागकर शादी करने की क्या जरूरत है? अगर मैं अभी भागी तो लोग मुझे बुरा बोलेंगे। अगर वही मैं एंगेजमेंट या शादी से पहले भागी तो पूरी फैमिली को बुरा बोलेंगे और वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभी की अभी शादी। अमन, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे, कैसे रखोगे, मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगी। मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। एक हफ्ता रुक जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। कल ही चलते हैं। पैसों की चिंता तुम मत करो, मैं वो सब देख लूंगी अमन। पैसे? तो फिर क्या परेशानी है अमन? तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? कर लेते हैं। चलो भाई, देर मत लगाओ, जल्दी करो। सर। ए अमन, अरे अमन, घर ही जा रहे हो ना? हाँ सर। गुड। एक बजते भूख लगने लगती है। चलो, यूनिवर्सिटी से आ रहे हो? जी हाँ सर। वैसे हम लोग अगले हफ्ते सब मिलकर तिरुपति जाने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते हो? वो मैं शादी के बाद वहां जाना चाहता हूँ सर। इसे कहते हैं कैलकुलेशन। गुड गुड। दामोदर के यहाँ कुछ हो रहा है लगता है, जरा गाड़ी रुको। पता नहीं भाई, क्या हुआ? आपको बात समझ में नहीं आती है क्या? क्या बोल रहा है तू? चिल्लाइए नहीं सर, आराम से बात कीजिए। तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अगर इस जैसे नहीं निकला तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। कर दीजिए, पुलिस स्टेशन में ही देख लेंगे। क्या हुआ दामोदर, कौन है ये लड़का? बोल रहा है बिंदु से प्यार करता है, अगर बिंदु की शादी इससे नहीं की। सर, सिर्फ मैं ही नहीं करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, आप पूछ लीजिए। बेटा, प्यार करना गलत नहीं होता, पर शादी के लिए उनके पिता से पूछना गलत है। वैसे तुम करते क्या हो बेटा? डिग्री कंप्लीट की है सर। डिग्री? सिर्फ एक डिग्री में उसे कैसे पालोगे? नौकरी नहीं मिली तो ऑटो चला के पालूंगा सर। अच्छा, ऑटो चला कर पालोगे। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि उन्होंने अपनी बेटी को कैसे बड़ा किया है? बेस्ट स्कूल और बेस्ट कॉलेज से उन्होंने उसकी एजुकेशन करवाई है। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में बेटी को तकलीफ न हो तो उन्होंने पूरे घर में एयर कंडीशन लगवाई, तुम लगवा सकते हो क्या? ऑटो चलाकर स्प्लिट एसी तो छोड़ो, टेबल फैन भी खरीद सकोगे क्या? हमें उनकी जरूरत नहीं है अंकल। अभी ऐसा लगता है बेटा, कल जब शादी होने के बाद तुम्हें मूवी या शॉपिंग के लिए जाने का मन करेगा तो 100 बार सोचोगी तुम। भगवान ना करे, पर कहीं अगर कुछ हो गया ना तो तुम इन्हीं की तरफ, इसी घर की तरफ देखोगी। बात घुमा के करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे प्रॉब्लम बताइए। तुम अपनी बकवास बंद करो,
तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम कहाँ रहते हो, उसे हमें कोई मतलब नहीं है। तुम उसे खुश रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, बस इतना ही जरूरी है। बेटी की शादी करने के लिए जब हम एक अच्छे लड़के को खोज रहे होते हैं, तब तुम जैसे लोग अचानक से पहुंच जाते हैं, प्यार करते हैं और स्टूपिड सा हक जमाने लगते हैं, खुद को पाल नहीं सकते, फिर भी बच्चे पैदा करते हैं, उनको भी तकलीफ देते हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से पूरा जनरेशन खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। देखो, हमें लगेगा कि हमारी बेटी को हमसे ज्यादा खुश तुम रख सकते हो, तो उसे लेकर भाग भी जाओ, हमें कोई दुख नहीं होगा। अपने सीने पर हाथ रखकर फिर मैं आराम की नींद सोऊंगा। पर मुझे नहीं लगता तुम उस लेवल के हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ, चल रहे जो करना है सो कर लो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, चिंता मत करो। ठीक है, देखा ना तुम्हारी जनरेशन का है ये, पर उसके पास अगर तुम्हारी तरह कॉमन सेंस होती तब उसे मेरी बात समझ में आती। छोड़ो तुम चलो। यूजलेस फेलोस, इडियट्स। सब सेट हो गया ना? हमें लगेगा कि हमारी बेटी को हमसे ज्यादा खुश तुम रख सकते हो, तो उसे लेकर भाग भी जाओ, हमें कोई दुख नहीं होगा। अपने सीने पर हाथ रखकर फिर मैं आराम की नींद सोऊंगा। दिल्ली जेएनयू से प्रोफेसर चटर्जी का फोन आया था, अगर तुम उनके अंडर में रहकर प्रैक्टिस करोगे तो पीएचडी को अलग ही क्रेडिबिलिटी मिलेगी। दिल्ली जाकर पीएचडी खत्म करके जॉब के बाद वापस आकर शादी करोगे? ये सब हम हमारे फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं ना? इससे तो तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। मैं कहाँ हूँ अमन? जस्ट वन ईयर पल्लवी। इस बीच घर वालों ने मेरी शादी कर दी तो? उससे पहले ही आकर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा पल्लवी, बस समझने की कोशिश करो प्लीज पल्लवी, जस्ट वन ईयर। तुम नहीं समझ रहे हो अमन। पल्लवी मैं ये क्या है भाई, तुम तो मेरे पोते का पीएचडी होने तक रहने वाले थे, तुम्हें अचानक कहाँ चल दिए? जाने का मन तो नहीं है सर। हाँ, जाना पड़ रहा है, ये सब तो हमारे फ्यूचर के लिए है सर। चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, चलता हूं। वो टॉयलेट बोर्ड लगा दो फिर से। क्या हुआ दीदी, इतनी जल्दी क्यों बुलाया? जल्दी चलो। यही है हमारी छोटी बेटी पल्लवी। नमस्ते। अच्छा बताओ पल्लवी, म्यूजिक सुनना, खाना बनाना, ऐसी कोई हॉबीज हैं तुम्हारी? यूट्यूब देख के हर तरह का खाना बनाना सीख लिया उसने, है ना? ठीक है जी, बहुत खुशी हुई मुझे। हाय पल्लवी। अमन, पता है तुमने किस टाइम पर कॉल किया है? अपने फाइनल पेपर सबमिट करने जा रहा हूँ। बस कुछ ही दिनों में अमन महेश्वरी पीएचडी। पल्लवी, मेरे लाइफ का एम्बिशन पूरा होने जा रहा है। इतने दिनों तक तुमने मुझसे बात नहीं की, लेकिन आज कॉल किया, बहुत अच्छा लग रहा है पल्लवी। अब क्या सोच रही हो? विश मी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ठीक है, सेमिनार के बाद कॉल करता हूँ, बहुत सी बातें करनी है। बाय बाय बाय। Thank you.
एक बार और अमन को कॉल करना चाहिए था। अगर बताती तो आकर ले जाता शायद, पर फिर फ्यूचर में अगर कहता तुम्हारी वजह से मेरा करियर स्पॉइल हो गया तो मैं वो नहीं सह पाऊंगी। साल मैं तुमसे दूर कैसे रहा ये मैं ही जानता हूं, और अब एक मिनट भी तुमसे दूर। अमन, मैं तुम्हारे साथ रहने नहीं आई हूं। कल मुझे प्रोफेसर मूर्ति जी का फोन आया था। हेलो, मैं प्रोफेसर मूर्ति बोल रहा हूं। हाँ सर, बोलिए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं पल्लवी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं सर। अमन कैसा है? डेफिनेटली अच्छी पोजीशन पर होगा। नहीं पल्लवी, जब से उसे पता चला है कि तुम्हारी शादी हो गई है वो डिप्रेशन में है। किसी तरह उसे समझा कर यूएस भेज दिया है और जॉब ज्वाइन करवा दी है, पर वो तुम्हारे ख्यालों से बाहर नहीं निकल पा रहा। ड्रिंकिंग का एडिक्ट हो चुका है। उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन मैंने कहा ये ठीक नहीं होगा। अभी तो वो ऑफिस भी नहीं जा रहा। 10 दिन में अगर उसने प्रोजेक्ट टेक ओवर नहीं किया तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। वो इस वक्त मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा। मैंने सोचा तुम्हें फोन करके कह दूं, शायद वो तुम्हारी बात मान ले। मेरे करियर में वो एक बेस्ट स्टूडेंट था पल्लवी, अब अपनी आंखों के सामने ही। यानी तुम मुझ पर हमदर्दी जताने आई हो? नहीं अमन, मुझे लगा कि तुम भी अब तक मेरी तरह सब कुछ भूल चुके होगे। सब झूठ। तुम्हारी आंखें देखकर मुझे सारी सच्चाई का पता चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता? तुम्हारे जैसी न जाने कितनी सारी लड़कियां अपने माता पिता के लिए, सोसाइटी के लिए अपना मन मारकर जिंदगी जीती हैं। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ मैं हूं। बस एक बार बोल दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अमन, मैं अरुण के साथ बहुत खुश हूँ। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? इस एक साल में उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सब कुछ भूलकर उसे प्यार करने लगी। क्या ये तुम कह रही हो पल्लवी? मेरी आंखों में देखकर बोलो, तुम बोलो, क्या तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूँ? लीव मी। नजरें क्यों नहीं मिला रही हो? नजरें मिलेंगी तो तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे। इसलिए अमन, तुम्हें समझा रही हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे? तो फिर क्यों आई? मैं पीऊं तो क्या? मेरी जॉब चली जाए तो क्या? मैं मर भी जाऊं तो क्या? वो सब ना हो इसलिए आई हूं। उस वक्त जिस हालत में मैं थी, तब मुझे हमारी शादी से ज्यादा तुम्हारा करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए शादी करके चली गई। अब तुम उसी करियर को बर्बाद कर रहे हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है पल्लवी। अगर तुम वहां खुश नहीं हो तो मुझे यहाँ खुश देखने का तुम्हें हक नहीं है पल्लवी। दिन बीते चाहे सालों बीते, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अमन, अमन, ओके, टाइम टू गेट पार्टी स्टार्टेड, पॉप द शैंपेन। हे
अरुण, हमारे गैंग में यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर। हेलो हेलो, उनके बाद हमारा ही नंबर आता है, यू नो। हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल सही कही है ब्रो। लेट्स सेलिब्रेट बारी। I love you. Pallavi, is everything okay? पल्लवी, मैं आज अमन से मिलने गई थी। What? जब मैंने तुम्हें अमन के बारे में बताया था तो शादी के बाद तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, वो मैं भूल नहीं सकती। प्यार एक से ही शुरू होकर एक पर ही खत्म होने वाली चीज नहीं, ये बात मैंने सिर्फ तुमसे ही सीखी है। लेकिन अमन को लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर टॉर्चर सह रही हूं, इसलिए वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। और इसकी वजह मैं ही हूं, ये सोचकर आई एम फीलिंग गिल्टी। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं अरुण, ये बात उसे बतानी पड़ेगी, वो अगर देखेगा तो ही पता चलेगा। अगर वो एक बार आकर देख लेगा तो अरुण, अमन को हम 10 दिन के लिए अपने घर बुलाते हैं, हमें देखने के बाद वो समझ जाएगा कि जो वो सोच रहा है वो गलत है, देन ही विल मूव ऑन विद हिज लाइफ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो। पल्लवी, अगर ऐसा करने से वो सुधर सकता है तो तुम उसे बेशक बुलाओ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। थैंक यू अरुण। मैं तुम्हारे घर आकर ये देखूं कि तुम अपने पति के साथ कितनी खुश हो? अमन, मैं यहां खुश नहीं हूं यही सोचकर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो ना। तुम आ जाओ, आकर देखो मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूं या नहीं, खुद आकर रियलाइज कर लो। रियलाइज हुआ तो तुम सब कुछ भूल कर जॉब ज्वाइन कर लोगे, नई जिंदगी शुरू करोगे। अगर रियलाइज नहीं हुआ तो तुम्हारे दिल में मैं अब भी हूं ये तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा, और ये मुझे वहां कर देखना पड़ेगा। देखो पल्लवी, सच तुम भी जानती हो, इसलिए तुम खामोश हो। ठीक है अमन, लेकिन सच क्या है ये तुम्हें यहां आने के बाद ही पता चलेगा। पल्लवी, तुम्हें याद है तुमने कहा था प्यार में सेकंड चांस नहीं होता, और आज तुम ही मुझे बुलाकर चांस दे रही हो। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अब मेरी जीत शुरू हो चुकी है। जीत का पता शुरुआत में नहीं चलता, मुकाबला करना पड़ता है। लेट्स सी। सी यू। Na 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 na
अरुण, अमन। हाय अमन। अरुण, वॉशरूम कहाँ है? अरुण, गिव अ ब्रेक यार प्लीज। गुड मॉर्निंग अमन। गुड मॉर्निंग। कॉफी? ये क्या अमन, इतने टाइम से बैचलर लाइफ जी रहे हो, कॉफी बनाने भी नहीं सीखी? आ जाओ कॉफी पी लो। ब्रदर को दी तुमने? अब शादी से पहले ब्रदर भी बैचलर ही था ना। तुम भी शादी कर लो, फिर तुम्हारी वाइफ बनाकर देगी कॉफी, चाय और नाश्ता, सब टाइम टू टाइम मिलेगा। शादी कर लो। तुम नहीं बनाओगी ना? हाँ बना लूंगा कॉफी। या ये क्या, सिर्फ काट के रख दिया? इसे पकाओगी कब? इट्स वेनिशियन सैलेड अमन, अरुण यही खाता है, काफी हेल्थ कॉन्शियस है। एक्चुअली मुझे भी इसकी आदत हो गई है, जब तक तुम यहाँ हो तुम भी आदत डाल लो। हेल्थ के लिए ये सब खाते हो ब्रदर? मैं तो हेल्थ खराब होने पर खाता हूँ। याद है तुम मुझे उपमा बनाकर खिलाया करती थी वहां इंडिया में, पेंट हाउस में रहता था, तभी ये मुझे खिलाती थी। जानते हो पल्लवी उपमा बहुत अच्छा बनाती है। रियली? और सुनो, इनके सुपरमार्केट में रवा की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी तो ये बाहर से खरीद के लाती थी। अमन बस करो। काजू डाल के देसी घी मिलाकर फिर बहुत प्यार से उस पर हरा धनिया डाला करती थी ऐसे। तुम उसे क्या कहती थी पल्लवी? कोथमीर। हाँ कोथमीर। पूरी जिंदगी उपमा खाकर बिताने की सोचता था। अमन से पल्लवी को लगाव था। क्या हुआ? उपमा से पल्लवी को लगाव था? सही बोला ना मैंने? हाँ वही तो। तुम्हें जो पसंद है तुम खा सकती हो पल्लवी, तुम ये क्यों खा रही हो? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ अरुण। ओके पल्लवी, आई विल बी बैक। ओके। वाइफ की ड्यूटी अच्छी कर रही हो। इसे ड्यूटी नहीं मिस्टर अमन, इसे प्यार कहते हैं, समझ लो तुम। वही ड्यूटी बड़े प्यार से कर रही हो। पल्लवी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, इवनिंग कॉल करता हूँ। ओह ठीक है मैं भी चलती हूँ। ओके लेट्स मूव। तो मैं क्या करूँ? पूरा घर देख लो, टाइगर के साथ खेलो। अब इस टाइगर के साथ खेलना है? मतलब मुझे गेस्ट के तौर पे बुलाया है या फिर रखवाली करने के लिए? मैं किसी एक के साथ जाऊंगा। ओके सीट बेल्ट। लंच कहाँ करें ब्रदर? अभी तो ब्रेकफास्ट किया। पहले से प्लानिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा ना, एक बार उसी की वजह से बहुत कुछ हुआ था। व्हाट? नाइस कार। हाँ पहले ही तुमने उसे घर बुला के बहुत बड़ी गलती कर दी, अब अरुण के साथ भेज दिया। पल्लवी तुम प्रॉब्लम खुद पैदा कर रही हो। पूरी जिंदगी प्रॉब्लम्स फेस करने से तो अच्छा है कि उसे अभी सुधार दूं। और मुझे पूरा यकीन है वो सुधरेगा। वो सुधरेगा? मुझे नहीं लगता। बाय। गुड नाइट अमन। काहे का गुड नाइट, तुम दोनों साथ में सोओगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। मतलब? मैं अकेला सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है ये बोल रहा हूँ। क्यों? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, नई जगह है, मुझे भूतों से डर लगता है। तुम्हारे पेंट हाउस में भी मुझे 10 दिन बाद नींद आई थी, जानती हो? तो मैं इसके साथ सो जाता हूँ। थैंक यू ब्रदर, अब मुझे शांति से नींद आएगी। ओके गुड नाइट। पल्लवी कल मॉर्निंग ट्रैकिंग के लिए जाना है, मुझे जल्दी उठा देना। ओके गुड नाइट। ओके अमन। क्या है पल्लवी? गुड नाइट।
पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा। पल्लवी या रेडी हूँ। रेडी टाइम हो रहा है। अमन कहाँ है? तुम्हारे रूम में होगा। नहीं तो फिर कहाँ गया? मुझे लगा वो नीचे आया। अमन आउट। ये तुम क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। ये किस तरह का खेल है? सच ए वायलेंट गेम। बच्चों को कुछ हो गया तो? यहाँ पर ऐसे गेम्स नहीं खेलते हैं। अगर किसी को चोट लगी तो जेल जाना पड़ सकता है। घर में बैठकर कार्टून देखेंगे तो क्या समझेंगे? चार बच्चों के साथ खेलेंगे तो जीने की समझ मिलेगी। हाय अरुण। हाय अरुण। हाय अरुण। हाय। हाय गाइस। हाय। हे। हाय गाइस। हाय गाइस। ऑल सेट फॉर ट्रैकिंग गाइस। तुम यहाँ कैसे? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अमन, कविता डेंटिस्ट बन गई है और यहीं सेटल हो गई। इंडिया में कुछ नहीं उखाड़ सकी, यहाँ दांत उखाड़ रही है। जोक। अमन, ये है देवाशीष, कविता के हस्बैंड। ओ, बलि का बकरा। हेलो मैन। हाँ, लेकिन ये है कौन? मैं ये वो मेरा क्लासमेट है। क्लासमेट? हम दोनों ने तो साथ में ही पढ़ाई की थी देहरादून में, लेकिन इसे तो क्लास में मैंने कभी नहीं देखा था। हाँ, वो आप दोनों साथ में कब थे? 6 to 10। हम 1st to 5th। अच्छा अच्छा, में हमको सिर्फ 40% ऑक्सीजन मिलती है और यहाँ पर पूरी 80% ऑक्सीजन। ऐसा है तो आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, वहाँ 100% ऑक्सीजन मिलेगा। जोक जोक गाइस, कम ऑन गाइस। यू नो, इस तरह के प्लेस में यू फाइंड योरसेल्फ। Every experience is an achievement, Aman. We're almost there. Let's go. मेरा achievement अलग है. First time. क्या हुआ? एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ पे चढ़ते देखूंगा। सुनो, पल्लवी की लाइफ को अगर खराब करने की सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी बैंड बजा दूंगी। तुम्हारा पति कहाँ है? देवाशीष? देवाशीष? तुम्हारी इंडिया की फ्लैशबैक लव स्टोरीज डिस्कस करने के लिए। तुम मेरी जिंदगी में टांग अड़ाएगी, मैं तेरी जिंदगी में। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। हे वाटर, वाटर एनीवन? अमन, तुम्हें पानी चाहिए? नहीं नहीं, अगर कम कमा क्या डाउन किया। पल्लवी, हां ये ये स्माइल। आई एम हियर विद फ्रेंड्स। हाय गाइस, अटेंशन प्लीज। नो, आई कांट डू इट फ्रॉम हियर। वी आर गोइंग टू मेक एन अनाउंसमेंट। उसने अभी कुछ कहा ही नहीं है। ये घर खरीद रहा है क्या? नो। मानसी, तुम प्रेग्नेंट हो क्या? नो पल्लवी। देन व्हाट? एक्चुअली वी आर गेटिंग सेपरेटेड। व्हाट? अलग हो रहे हो? व्हाट? व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट? बट सुरेश, हमें लगा कि यू आर मेड फॉर ईच अदर। या, वही समझकर हम दोनों ने लव मैरिज की थी, बट 1 year के बाद पता चला हमारी सोच, हमारी पसंद, सब कुछ अलग अलग है। सिर्फ मैकेनिकली साथ रह रहे थे, बट देर इज नो लव, इसलिए अलग हो रहे हैं। ये क्या बात हुई मानसी? एक साल में कैसे पता चल गया तुम लोगों को? क्या पता बच्चे होने के बाद तुम लोग एक हो जाओ? सुरेश, बी पॉजिटिव, थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों आदर्श पति पत्नी थोड़ी देर के लिए शांत रहोगे? ये सुधरने वाला नहीं है। क्यों टाइम लेना चाहिए? क्यों बच्चे होने तक इंतजार करना चाहिए? ताकि इनके अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाए। कल को इनके बच्चे होंगे तो इनके झगड़े और बढ़ जाएंगे, फिर बच्चे मेरे पास रहेंगे या तेरे पास रहेंगे, ये मसला कोर्ट तक चला जाएगा और फिर आपस में डिवोर्स लेके बच्चों की लाइफ बर्बाद कर देंगे। तो क्या ये अच्छी बात होगी, बताओ? मेरे ख्याल से तो इन दोनों का अभी अलग होना बहुत अच्छा है। बाकी इन लोगों की मर्जी, जो चाहते हैं वो करें। लेट देम फाइंड देयर सोलमेट्स। मानसी, लिसन, यू गाइस शुड गिव सम मोर टाइम, थिंक अबाउट इट। मैं बोल रहा हूं ना, देखो एक बात तो सुन लो, बिना प्यार के कोई भी रिलेशन नहीं टिक सकता, फिर वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही क्यों ना हो।
थैंक्स फॉर दैट। सो हम दोनों अलग होने से पहले मानसी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो गाइस, सब लोगों को आना है। मैं आऊंगा। डेफिनेटली। योर विश। देखा पल्लवी, उनको सब क्लियर हो गया, तुम्हें होना बाकी है। क्लैरिटी की मुझे कोई जरूरत नहीं अमन, तुम्हें है। पल्लवी, क्या है ये? हाफ बॉइल्ड। यहां भी हाफ बॉइल्ड है। जोक ब्रदर। तो तुम्हें बिल्कुल पीने की आदत नहीं है? नहीं। ये लड़कियां बिल्कुल भी समझ नहीं आती, जिस लड़के में सारी बुरी आदतें हैं उसी से प्यार करती हैं, और शादी ऐसे लड़कों से करती है जिसमें कोई बुरी आदत ना हो। मैंने पी रखी है ब्रदर, कुछ गलत मत समझना। हाँ ब्रदर, पल्लवी से पहले तुम कितनी लड़कियों से मिल चुके हो? इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं maybe 3 or 4। मतलब पल्लवी का 5वां नंबर है, बाकी 4 में से कोई तुम्हारे साथ सेट हो जाती तो पल्लवी तुम्हारी लाइफ में नहीं आती। पल्लवी तुम्हारे लिए ऑप्शन थी, चॉइस कभी नहीं थी, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था ब्रदर। उसी से प्यार किया, उसी से शादी करने वाला था, जीना या मरना दोनों भी उसी के साथ सोचा था। मेरा तो ये ट्रू लव। अमन, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। पल्लवी, इसे बोलने दो। जब देखने गए थे तो पल्लवी से तुमने क्या क्या पूछा था? उस दिन मैंने, वो काफी ब्रॉड माइंडेड है। शादी के बाद तुम जॉब करोगी या हाउसवाइफ बनकर रहोगी, ये पूछा था। फुल फ्रीडम दी थी मुझे। अच्छा, इससे पहले किसी से प्यार किया था क्या, ये नहीं पूछा तुमने? अगर तुम पूछ लेते तो बता भी देती ये पगली, हमारा प्यार जिंदा होता। तुम्हारा क्या है ब्रदर, कोई दूसरी लड़की मिल जाती बस उतना ही। स्टॉप इट अमन, बचपना मत दिखाओ। ओके, मैं बच्चा हूं, तुम लोग मैच्योर हो। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, पूछो। एक लड़की अपने पति के साथ खुश नहीं है ये सोचकर दूसरे के साथ चली जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? You are having an illegal relationship with him, ऐसे पूछेंगे। वैसे ही अगर कोई लड़की किसी और से प्यार करे और उससे कोई और लड़का आकर शादी कर ले तो उसे क्या कहते हैं ब्रदर? You are having an illegal relationship with my love, ये मैं पूछूंगा। पल्लवी, पल्लवी, कमिंग।
कहा था ना ससुर जी सरप्राइज हो जाएगी, पहले बता देते तो ये एक्सप्रेशन नहीं देख पाते। पापा, जीजू, आप यहाँ अचानक? कुछ नहीं बेटा, तुमसे और दमाजी से मिलना था तो बस चले आए। और ये है रमेश, अपने जमाई बाबू के दोस्त हैं। नमस्ते। एयरपोर्ट पर हमें बिल्कुल टाइम पर पिकअप करने आ गए। अभी तक खड़े क्यों, निकलो यहाँ से। वैसे हमारे ब्रो कहाँ हैं? ब्रदर, ब्रदर, कॉफी। ए पेंट हाउस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटी, ये यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं पल्लवी। ये अमन ना मेरा क्लासमेट है पापा। हाँ, क्लासमेट? ये तुमसे किसने कहा? वाइजेक में ये मेरे साथ ही था, अब उसका नया नया जॉब लगा है। हाँ, तो ज्वाइन करने से पहले मैंने कहा कि 10 दिन मेरे साथ रह ले। पल्लवी ने बताया कि ये आपको भी जानता है। हाँ पापा, 2 दिन पहले ही आया है। हाँ सर, 2 दिन हुए हैं, मैं आ रहा हूँ। 2 दिन पहले आया हूँ। तो फिर कैलकुलेशन अच्छे से सेटल हो गए ना? कहाँ अपना वो पेंट हाउस और कहाँ ये अमेरिका, और अब ऐसे मिले हम लोग। वर्ल्ड इज सो स्मॉल ना सर। ज्यादा स्मॉल है। पिछले जन्म का कर्जा होगा ससुर की। होगा। पापा, आप सफर में थक गए होंगे, आइए ना फ्रेश हो जाइए। हाँ, कॉफी पिला दो। हाँ। अरे कैलकुलेशन को बोल दो, उठा लेगा, अपना ही आदमी है। ब्रो, बहुत स्लिम हो गए। ऐसा कुछ नहीं। अमन, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, पापा को शक हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चला जाऊंगा तो शक होगा, ब्रदर ऑलरेडी कमिट हो चुका है, 10 दिन रहूंगा ऐसे बोल के। इट्स ओके पल्लवी, वैसे भी सब इसके बारे में जानते ही है ना, लेट हिम स्टे। हाँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सी यू। ओके। देखो अमन, तुम यहाँ क्यों आए हो ये बात पापा को कभी भी पता नहीं चलनी चाहिए। छे छे, मैं क्यों बताऊंगा? वादा? सीधा हाथ। वादा। अरे बाप रे। पापा क्या हुआ? मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है बेटी। बाप रे। कविता का क्लिनिक यहीं पर है, चलिए ले चलती हूँ। अरे तू कहाँ जाएगी, हम चले जाएंगे। कोई बात नहीं पापा, मैं आज काम घर से ही कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं, तुम अपना काम पूरा कर लो ना, हम लोग चले जाएंगे। हाँ, वैसे भी वो पेंट हाउस फालतू बैठा होगा, वो ले जाएगा ना। हाँ। अरे कहाँ हो पेंट हाउस? ये दाढ़ का दर्द अचानक कैसे हो गया सर? दर्द वर्द कुछ नहीं था, ये सब इनका नाटक था। एक्टिंग? हाँ। तो अभी हम कविता से मिलने क्यों जा रहे हैं? पल्लवी जिससे प्यार करती है उसका पता लगाने। क्या करेंगे जानकर? हाँ, जान के क्या करेंगे, क्या करेंगे, पल्लवी की शादी उससे करवा देंगे हमारे ससुर जी। ओहो, जान बूझ के अपनी बेटी की जिंदगी थोड़ी बर्बाद कर सकते। हाँ, हाँ, बिल्कुल। पर तुम्हें इससे क्या लेना? हाँ, मुझे क्या? तुम शांत रहो, शादी कैसे, वो लड़का कौन है, कहाँ है, क्या करता है और अभी भी अपनी पल्लवी से प्यार करता है या नहीं, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे भूल जाएगा सर, ट्रू लवर होगा। आप सख्त होकर पूछिए कविता से, सख्त होकर। सख्त 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 सख्त। अरे आप बस करो। हाँ। ये मोटी भी मेरे काम आ सकती है, ये मैंने सोचा नहीं था। चलो अब सारा काम हो जाएगा, मैं तो नहीं बता सकता, तू बता दे। मैंने जैसा बताया वैसा करना, ठीक हो जाओगे जल्दी। आइए अंकल, अभी पल्लवी का कॉल आया था। सॉरी, प्लीज डोंट माइंड, तुमसे एक बात करनी है। किस बारे में करनी है अंकल? इतना टाइम लग रहा है बोले तो सब कुछ बता रही होगी। अच्छा है। हाँ सर। क्या? हाँ, गाड़ी निकालो।
कविता ने क्या कहा सर? भाई साहब हाँ बताइए ना, कविता ने क्या कहा? जुड़वा बच्चे हैं। किसके? सन्यासी नायडू के। वो कौन है? पल्लवी से प्यार करने वाला, शादी करके जमैका में सेटल हो गया है। जमाई मोटी उसकी तो। वैसे भी प्रेमिका की शादी फिक्स हो गई है ये जानकर उसने अपनी शादी जल्दी कर ली, इसका मतलब है कितना गया गुजरा होगा। थर्ड क्लास फेलो। ऐसे इंसान के लिए मेरी बेटी सोच रही है ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ आज। मुझे नहीं पता लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं लग रही है सर। तुम्हारे पास राइट इन्फॉर्मेशन है क्या? है लेकिन बता नहीं सकता। क्या? पता चलते ही बता दूंगा। बताओ। बता दूंगा। बताओ। बता दूंगा। बताओ। बता दूंगा। बता दूंगा ना। बताओ। चुप करो तुम दोनों। पल्लवी तू अरुण से खुश नहीं है ऐसा तेरे पापा को लग रहा है। तू किससे प्यार करती हो मुझसे पूछ रहे थे? मैंने सन्यासी नायडू का नाम बताकर उन्हें वापस भेज दिया। ये अमन का ही काम है। कविता मैं बाद में बात करती हूँ, वो लोग आ गए। ओ ओके ओके बाय बाय। पापा अब आपका दर्द कैसा है? दर्द? हाँ वो दर्द, हाँ वो अभी है ना थोड़ा सा है। बस कीजिए पापा, कविता ने मुझे सब कुछ बता दिया। पापा मैं अरुण के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। हम दोनों के बीच ना कोई दूसरा है और ना ही आएगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? एज अ फादर आपने हमेशा मेरे लिए बेस्ट किया है एंड अरुण इज द बेस्ट। ससुर जी हाँ? तो वो बेडरूम मैटर? हाँ तो फिर तुम एक कमरे में, दामाद जी दूसरे कमरे में। पापा हाँ? ये अरुण का बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ वो तो है। जब तक है तब तक गप्पे मारने के लिए साथ में सोते हैं, इसमें क्या गलत है आप ही बताइए। हाँ क्या गलत है, फ्रेंड्स ही है ना। ठीक है बेटी तुम खुश हो ना, मेरे लिए वही बात। अमन तुम जरूर सुधरोगे इसकी मुझे उम्मीद थी, पर अब वो भी नहीं रही। पर मैंने कुछ नहीं कहा था पल्लवी। ये घर, अरुण, मेरे पेरेंट्स, यही मेरी दुनिया है। तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी पर यही सच है। नाउ इट्स रियली ओवर। खाने की अच्छी खुशबू आ रही है बेटा। क्या हुआ पापा, बड़े खुश लग रहे हैं आप। कुछ खास नहीं बेटा, जब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं ना तो उसकी खुशी ही अलग होती है। अरुण पापा जब से आए हैं तब से एक दिन भी तुमने हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। कल छुट्टी ले लो, हम सब घूमने कहीं बाहर चलते हैं। पल्लवी एक्चुअली कल वो सैंता मोनिका में मीटिंग है, एक बिजनेस ट्रिप। तो कल हम भी तुम्हारे साथ वहीं चलते हैं, वो जगह बहुत खूबसूरत है मैंने सुना है। नो नो पल्लवी, कल प्रोजेक्ट में मैं बहुत बिजी रहूंगा। अगर दामाद जी बिजी हैं तो फिर रहने देते हैं। नहीं पापा ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, पर इस बार नहीं चलेगा। बट दिस टाइम वी आर गोइंग, दैट्स इट फाइनल। ऐसी बात नहीं है। नो हम भी चलेंगे बस। ओके ओके तो फाइनल ना। अच्छा है। अरे भाई कैलकुलेशन तुम भी चलो मजा आएगा। मैं क्या करूंगा? क्या आप सभी लोग फैमिली मेंबर्स हैं, मैं आकर क्या करूंगा? तुम भी फैमिली जैसे हो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, चलो। सुनो पेंट हाउस, यहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं हाँ बहुत संस्कारी होती हैं, यही बता रहा था। आओ तुम चल रहे हो फाइनल। पापा गाना सुनने का मन है? हाँ गाना। हाँ हाँ लगाओ लगाओ। ओके नाइस। क्या हुआ? ब्रदर ये गाना नहीं, बंद कर दो। अरे भाई अमन नजारे देखो और एंजॉय करो, हमारे दामाद जी इतना पैसा खर्च करके ये ट्रिप पर ले जा रहे हैं और तुम ऐसा सड़ा हुआ चेहरा लेकर बैठे हो। जी ये पेंट हाउस बड़ा नसीब वाला है, वरना हमारे बीच में ऐसे बैठकर हमारे साथ ट्रिप करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप लोग टीपू सुल्तान की फैमिली से हो ना? क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। ससुर जी हाँ ये जॉब भी हमारे अरुण ने ही दिलवाई होगी? नहीं पापा अमन इज वेरी टैलेंटेड,
थैंक यू अरुण। इसका टैलेंट हमें पता है, हमारे पेंटहाउस के आने के बाद ही इनका नसीब बदला होगा। हाँ हाँ है ना। वाह लोकेशन बहुत सुंदर है ससुर जी। सुनो पेंटहाउस तो चलो एक सेल्फ निकालते हैं। उसे सेल्फ नहीं कहते, सेल्फी कहते हैं। जो भी है चलो निकालते हैं। हाँ लोकेशन वहाँ है सर। अभी तो सरप किया है। हेड्स ऑफ सर। थैंक यू। हाँ रुको थोड़ा मुस्कुराओ भाई। पापा तीन रूम्स बुक किए हैं, मैं कीज लेकर आता हूँ। तीन रूम्स क्यों बेटा? तुम और बेटी एक रूम में रहोगे। हाँ। और इसका क्या, ये हमारे साथ एडजस्ट हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा बेड लगवा देंगे, बीच में सो जाएगा। इज दैट ओके फॉर यू? वो मैं ओके क्यों नहीं होगा, हमारे बीच में सोना इसके लिए किस्मत की बात होगी। बगल में, बीच में, बगल में, बीच में, बगल। सुन लिया बाप। हाँ ऐसे। हाँ लो। That's good पापा। अमन तुम भी आ जाओ ना। कम सब लोग खेलेंगे तो बॉल उठाकर कौन देगा? ए पेंट हाउस इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, बॉल उठाकर दो। दो ना। Here we go। पल्लवी जस्ट अ सेकंड। यू हियर? या आई एम कमिंग। पल्लवी मुझे जाना होगा। व्हाट? पास के एक कॉफी शॉप में क्लाइंट आ गया है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। पापा मैं जल्दी जाकर आता हूँ। ठीक है। हाँ भाई अमन आ जाओ हमारे साथ। आना कोई तो चाहिए ना। आ जाओ। अरे बॉल फेंकेगा कि नहीं? पापा अरुण अपना वॉलेट भूल गए, मैं देकर आती हूँ। ससुर जी चलिए खेलते हैं। देखा ना तुमने हमारी पल्लवी और अरुण कितने खुश हैं, हम बेकार में टेंशन ले रहे थे। समझने के लिए हमारी जैसी समझ भी तो चाहिए ससुर जी। हाँ वो तो है। बर्ड्स, ब्यूटीफुल बर्ड्स। वैसे भी तुम कब तक ऐसे अकेले जिंदगी जीते रहोगे, शादी वादी कर लो ना। अब मेरी शादी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं सर? ये बताओ जवान हो अच्छी जॉब है तो फिर शादी से दूर क्यों भागते रहते हो? डोंट, वहां तक मत जाइए। क्यों ना जाऊं? प्लीज अमन अगर मेरी एक और बेटी होती ना तो मैं पक्का उसकी शादी तुमसे करवाता। हाँ जब थी तो नहीं करवाई, अब नहीं है तो ऑफर दे रहे हैं। वो एक बात कही, मैं भी जनरली बोल रहा हूँ। अब निकलते हैं, यहाँ का कैलकुलेशन कुछ ठीक नहीं लग रहा। अंकल? किसके अंकल? हेलो। हेलो कौन है? कौन है? कौन बोल रहा है? अरे तुम कौन हो? शट अप, बगल में कौन है? खूबसूरत मॉडल्स है, क्यों तुझे ज्यादा चढ़ गई है क्या? नहीं आग लगी है, फायर ब्रिगेड भेजने वाले हो क्या? ए अपना मुंह बंद कर और फोन चंद्रमोहन जी को दे, मैं अरुण का पिता बोल रहा हूँ। सर ये फोन, कोई तो लाइन में। कौन है? बात कीजिए ना सर। हेलो
हाँ चंद्रमोहन जी। हाँ संदीप जी, कैसे हैं आप? वो बाद में, पहले ये बताइए किस बदतमीज ने मेरा फोन उठाया था? वो पहचानिए कौन है? बताऊंगा तो खुशी से झूम उठेंगे। अच्छा, आपके बेटे के साथ पढ़ाई लिखाई की है उसने? अरुण का बेस्ट फ्रेंड है वो। बेस्ट फ्रेंड? उसकी एजुकेशन तो देहरादून में हुई थी ना, जब उसका कोई दोस्त ही नहीं है तो बेस्ट फ्रेंड कहाँ से आ गया? लगता है आप उसे ऐसे नहीं पहचानेंगे, मैं उसकी फोटो भेजता हूँ आपको। देखता हूँ। समधी जी कन्फ्यूज्ड है। भेज दिया। देख लिया आपने? समधी जी, ये चेहरा मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरुण भी इसे नहीं जानता। ये जो भी है आपको मूर्ख बना रहा है। क्या हुआ ससुर जी? मैं आपको कॉल करता हूँ। वो कह रहे हैं कि अमन और अरुण फ्रेंड्स नहीं है। फ्रेंड्स नहीं है तो वो पल्लवी के घर में क्यों रह रहा है? पता नहीं, जरा उस कविता को फोन लगाओ, उससे पूछते हैं। ससुर जी ना? वो लाइन पे है। हेलो। हेलो, बोल पल्लवी। मैं पल्लवी का फादर बोल रहा हूँ। बोलिए अंकल। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला अंकल? कौन सी बात अंकल? अरुण और अमन दोस्त नहीं है ये बात मुझे पता चल गई है। इतना ही नहीं, यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो सब मुझे पता चल चुका है। क्यों कविता, तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने पल्लवी को समझाने की कोशिश की अंकल, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। अमन ने अपनी लाइफ खराब कर रखी थी, ये देखकर पल्लवी ने अरुण को कन्विंस किया, मुझे कन्विंस किया और अपने साथ यहाँ ले आई। I'm really so sorry, मेरी कोई गलती नहीं है। पल्लवी ने प्यार किया था अमन से, यानी वो सन्यासी नायडू वाली बात गलत थी? आप देख रहे हैं ससुर जी, वो कौन सा गाना सुन रहा है? ए अमन। क्या हुआ है तुम्हें, मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ होता तो खुश होता ना, कुछ हो ही नहीं रहा है। क्लाइंट के साथ मीटिंग कैसी रही? हाँ हाँ, काफी अच्छी रही। प्रोजेक्ट मिलना कंफर्म है? ऑलमोस्ट पल्लवी। इसलिए तुम एक साल से यहाँ आ रहे थे ना? क्लाइंट से मीटिंग कॉफी शॉप में हुई थी या पार्किंग लोन में? ये तुम क्या बोल रही हो पल्लवी? Are you okay? Not okay, अरुण। लगता है कुछ हुआ है सर। पल्लवी, why are you shouting? मैंने देख लिया है अरुण, तुम पार्किंग लोन में उस लड़की के साथ। पल्लवी, उस लड़की और मेरे बीच कितनी आसानी से झूठ बोल दिया तुमने। मैं जो बोल रहा हूँ, कोई भी रिश्ता नहीं है ये बोलकर छुपाने की कोशिश मत करो। I'm not dumb. पल्लवी, just calm down. No, no. मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ मैंने सब कुछ तुम्हें बताया, अपने प्यार के बारे में भी। Let me... हम कितने प्यार से रहते हैं ये अगर अमन देख लेगा तो उसे क्लैरिटी हो जाएगी, इसलिए मैंने अमन को भी यहाँ बुलाया। मुझे पता है पल्लवी। लेकिन मेरी समझ में आ गया, क्लैरिटी की जरूरत अमन को नहीं मुझे है। तुम्हारे लिए मैंने अपने प्यार का गला घोट दिया अरुण। बोलो और कितनी मीटिंग्स करनी है तुम्हें, हाँ, और कितने टूर्स पर जाना है, बोलो। आ,
कुछ बोलना है तुम्हें? अरुण की लाइफ में दूसरी लड़की है। हाँ? क्या बात कर रही हो? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उस लड़की के साथ। एक साल से छुपा रहा है वो। सांता मोनिका उसी के लिए जाता था। ये शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है अमन। आई गॉट द पनिशमेंट। मैं अपना दर्द किसे सुनाऊं समझ नहीं पा रही। किसे बताऊं कि ये दर्द कम हो जाए? तो ये मुझे क्यों बता रही हो पल्लवी? कुछ बातें अपने प्यार के साथ ही बांटी जाती हैं। क्या सर, आपने बुलाया मुझे? पल्लवी जिससे प्यार करती है मैं उसे मिल चुका हूं अमन। कहां सर, कहां पर है वो? कहां है वो? अभी नहीं, एक साल पहले ही मिला था उससे। मेरे घर के ऊपर ही रहकर मुझसे छुपकर मेरी बेटी से प्यार करता था। प्यार करने के लिए एक औकात होनी चाहिए, ऐसी सोच रखने वाले पिता की बात को इज्जत देते हुए उसने अपने करियर पर फोकस किया और प्यार में फेल हो गया। अब दोबारा पास होने की कोशिश में लगा है वो। मैं सब कुछ जान चुका हूं अमन, पल्लवी का अरुण के साथ कुछ भी नहीं है। वो अभी भी तुमसे ही प्यार करती है। अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, और अब उस गलती को सुधारने के लिए ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया है। पल्लवी, अरुण, नो। तुम और पल्लवी, यही सही है? सही नहीं है सर, सही नहीं है। क्यों ब्रदर, गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे हो? वही सांता मोनिका। अच्छी है क्या? पल्लवी से भी अच्छी है? जस्ट शट अप। क्यों गुस्सा आ रहा है? एक ही झूठ बार बार बोलकर धोखा देने वाले तुम जैसे इंसान को गुस्सा आ रहा है तो धोखा खाने वाली पल्लवी को कितना गुस्सा आ रहा होगा सोचो। उसकी पसंद ना पसंद जाने बिना तुम्हारे साथ शादी करवाने वाले उसके पिता को कितना बुरा लग रहा होगा। उतना ही क्यों, तुम दोनों का कब झगड़ा होकर कब अलग हो जाओगे ऐसा इंतजार करने वाले मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा। क्यों आ रहा है? नहीं आना चाहिए था। अभी मैं समझ गया। मैं जाने अनजाने में तुम दोनों को अच्छे हस्बैंड एंड वाइफ समझ चुका था। मैं ही क्या, वो भगवान भी तुम्हें अलग करने की सोचेगा ना तो भी नहीं होगा। लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया मैंने? क्या किया है मैंने? बचपन से ही मैं अकेला रहता आया हूं, किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाता, फ्रेंड्स भी नहीं है मेरे। तब आई मेरी जिंदगी में क्रिस्टीन। MBA में मेरी क्लासमेट थी, बहुत एक्सप्रेसिव थी। उसे जैसा पसंद होता था वैसे ही रहती थी, और बहुत ही जल्द हम दोस्त बन गए। किसी से भी फ्रेंडली ना होने वाला मैं सिर्फ उसके साथ कंफर्टेबल फील करता था। She helped me open up। मैं हर एक चीज उसके साथ शेयर करता था। मुझे वो एक बेस्ट फ्रेंड मिल गई थी। पर सडनली उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं कैसे रिएक्ट करता मुझे समझ में नहीं आया। मैंने भी कह दिया कि हम सिर्फ दोस्त हैं और हमेशा दोस्त ही रहेंगे, पर मुझे लगा जैसे क्रिस्टीन को यह मंजूर नहीं था। MBA के बाद भी वो मुझसे मिलती रही। वो मुझे भूलना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। पल्लवी से शादी होने के बाद पता चला कि वो डिप्रेशन में आकर ड्रग एडिक्ट हो चुकी थी। उसने सुसाइड करने की कोशिश भी की। उसकी वो हालत देखकर मुझे लगा कि उसके पीछे का कारण सिर्फ मैं हूं, और मुझे बाद में पछतावा हुआ। वो नॉर्मल हो जाएगी ये सोचकर मैंने उससे फिर से मिलना शुरू कर दिया।
ऐसा कौन सा हस्बैंड होगा जो अपने वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड को सुधारने के लिए अपने ही घर में रखेगा उसका? पर मैंने वो किया, जानना चाहते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने तुम में क्रिस्टीन को देखा, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम भी क्रिस्टीन के जैसी लाइफ जियो। तो ये सारी बातें पल्लवी से क्यों छुपाई? ये सब बताकर मैं उसे और परेशान करना नहीं चाहता था, और उसने मुझे बताने का मौका भी नहीं दिया, वरना मैं जरूर बताता। उस दिन जब उसने मुझ पर शक किया तो ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल गई हो। मैं उसके बिना नहीं जी सकता, जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। शी इज माई लाइफ। तो फिर चलो ना, ये बात हम पल्लवी को बताकर। हम कौन है सर? हम कौन है सर पति पत्नी के बीच आने वाले? ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है। रुको बेटी, अरुण के आने तक वेट करते हैं। नहीं पापा, उन्होंने बाहर खा लिया होगा, आप खा लीजिए। हाँ? ब्रदर, टाइम पे आए हो, आओ खाना खा लो। नहीं, मैं खा के आया हूं। ये क्या है बेटी? हाँ। अरुण का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो किसी और लड़की के साथ घूम रहा है ना? पल्लवी, ससुर जी को सब कुछ पता चल गया है, ये भी कि तुम और अमन एक दूसरे से प्यार करते थे। मेरी बात मानो, अरुण को डिवोर्स दे दो। पापा, अमन से शादी कर लो। अमन, तुम्हें तो एतराज नहीं ना? मैं तो पहले से तैयार हूँ सर। शायद पल्लवी किसी कंफ्यूजन में है, अरुण पर तो इसे अब भी प्यार आ रहा है। ऐसा है तो अपनी बीवी से प्यार करने वाले को वो अपने घर में रखता? अगर सच में प्यार करता तो एक बार तो हम दोनों पर वो शक करता। इंटरेस्ट ही नहीं है सर, ये प्यार नहीं है, ये तो सिर्फ दिखावा है। उसे पल्लवी की जरूरत नहीं है, इसलिए वो पल्लवी पर शक भी नहीं करता। मैं शायद कंफ्यूज हो गया। मैं अपनी तरफ से रेडी हूं सर, अगर ये हां बोलती है तो मैं तैयार हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। अरुण तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, झगड़ते हुए जिंदगी बिताने से अच्छा है कि अभी खुशी खुशी अलग हो जाओ। सही कह रहा हूँ ना मन? करेक्ट सर। हाँ। वैसे भी तुम्हारे जनरेशन में अलग होना कौन सी बड़ी बात है बेटी, तुम सिर्फ हाँ कहो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ए पल्लवी, कहाँ जा रहे हो अरुण? तुमसे दूर पल्लवी। पल्लवी, जस्ट स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट पल्लवी, ऐसा मत करो, लीव इट। कर ही जा रहे थे तो तुम्हें ये क्यों चाहिए? वो लड़की कौन है पूछा तो? क्या तुम मुझे इस तरह छोड़कर चले जाओगे अरुण? तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कोई और है ये जानकर उस दर्द में मैं उस दिन बहुत कुछ बोल गई। उसमें तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखा क्या? अरुण, मुझे इस दुनिया में कुछ और नहीं चाहिए। तुम बोलो, सिर्फ एक बार बोल दो तुम, उस दिन जो मैंने देखा वो सच है या झूठ? झूठ। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है पल्लवी।
तुम ही मेरी जान। देखा सर, यही होती है लाइफ। प्यार को शादी की जरूरत नहीं होती, लेकिन शादी के लिए प्यार की जरूरत है। प्रेमिका की खुशी के साथ साथ उसकी फैमिली की खुशी के बारे में जो तुम्हारी सोच है, वही सच्चा प्यार है अमन। मेरे प्यार का क्या सर, अपना बीता हुआ कल जिंदा भी है या मर गया ये भी ना सोचने वाले लोगों के बीच, मेरी जिंदगी के बीच पल्लवी और क्रिस्टियन के बीच में अरुण, उनकी सोच के सामने मेरा प्यार क्या है सर? बस यादों का बुलबुला है। यहां आने से पहले मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी, उसी को ढूंढते हुए यहां पहुंचा। लेकिन यहां आने के बाद पल्लवी और अरुण को देखकर समझ गया, अपनी लाइफ हमेशा अपने साथ ही रहती है, उसे कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। पल्लवी को एज इट इज एक्सेप्ट कर लोगे तो काफी है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बन सकती है सर। लाइफ हमें बहुत सारे चांस देती है, लेकिन हमें भी उसे एक चांस देना चाहिए, और वो मैं दूंगा सर। अमन कहां? ये सब मेरी समझ में आ गया है सर, अंदर जो अमन महेश्वरी है उसे समझना जरूरी है सर। बस 10 मिनट दीजिए, मैं सब समझ जाऊंगा सर। पल्लवी। हाँ। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पूछो ना माँ। अपनी सुगना की बहन की बेटी प्रिया है ना? हाँ माँ। उसकी शादी अमन से करवा दें तो कैसा रहेगा बताओ? अमन के साथ? कोई भी बुरी आदत नहीं है, कोई लव स्टोरी नहीं, सोने जैसा लड़का है। क्या सोच रही है? अच्छी रहेगी। हाय अमन, लगा नहीं था कि तुम आओगे। त्योहार तो घर वालों के साथ ही मनाया जाता है ना, और आप लोगों के अलावा मेरा है कौन? अंकल के पास जाओगी? जाओ ना। रहने दो, आपकी कोई चीज मेरे पास नहीं आएगी, सब जानते हैं ना मुझे। और अमन, शादी कब करने वाले हो? ये हाय कब खिलाओगे हमें? जाओ बेटा। हमारे पहचान की एक लड़की है, बहुत अच्छी है। कुछ दिन पहले ही एक लड़की फेसबुक पर मिली है, अब तक तो चैटिंग चल रही थी, इस हफ्ते मिलने वाले हैं। अमन बताया भी नहीं, लड़की अच्छी है क्या? एकदम राजकुमारी। इतनी सुंदर दिखती है। क्या पता, फोटो तो नहीं थी उसकी। लेकिन बिना चेहरा देखे सिर्फ फेसबुक के आधार पर? एक दूसरे की पसंद मिलनी चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग मिलोगे कब, प्यार कब करोगे, शादी कब करोगे? अब शादी करके प्यार करूंगा सर। बहुत बड़ी बात कह दी तुमने। पता कर लो कि लड़का है या लड़की।